और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जीवन तुम्हें जो भी दे रहा है उसको परम स्वीकृति से लेना। हम भूल चुके हैं कि हमारे जीवन में हमें जीवन ने दिया क्या। जीसस ने कहा कि जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छिनता चला जाएगा। क्या है जिसके पास? और सेम सवाल तुम्हारे रिपीट होंगे कि हमने तो सबका अच्छा किया, मेरे साथ बुरा बुरा क्यों हो रहा। देखो, एक्सेप्टेंस इज द एल्केमी का इतना ही मतलब है कि अगर तुम अपने पूरे जीवन को देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम विरोध में जी रहे हो। तुम अपने पूरे जीवन को पाओगे कि हमेशा तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, बाहर की परिस्थितियों को तुम्हारे भीतर प्रचंड विरोध हो रहा है। अगर कोई भी चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई, तुम्हारे भीतर विरोध शुरू हो जाता है, तुम्हारे दिमाग में विरोध शुरू हो जाता है। अगर तुम अपने पूरे जीवन को देखोगे, 24 घंटे में भी अब खुद को याद करोगे, तुम पाओगे कि तुम नकारात्मकता से खचखच भरे हुए हो, खचा खच। क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वो 95-96% निगेटिव है। अपने दिमाग में ही तो चल रहा है सब निगेटिविटी कि खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बहक ना जाए, मैं गलत जा रहा हूं क्या, ये हो रहा है, सब कुछ निगेटिव चल रहा है दिमाग में। तो अगर दिमाग में जो विचार है वो 24 में से, मतलब 100 में से 95 विचार अगर निगेटिव आ रहे हो तो कैसे तुम्हारे जीवन में बाहर पॉजिटिविटी हो? नहीं हो पाए, राइट? और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जीवन तुम्हें जो भी दे रहा है उसको परम स्वीकृति से लेना। हम भूल चुके हैं कि हमारे जीवन में हमें जीवन ने दिया क्या। हम ये भूल बैठे हैं अब कि इस जीवन में हमने क्या क्या कमाया। वो कहते हैं ना कि जब तुम गुड थॉट्स भी पढ़ते हो तो वहां पे बड़े बड़े प्यारे थॉट्स मिल जाते हैं। एक मैंने थॉट पढ़ा था कहीं पे कि जो जीवन तुम जी रहे हो ना बेटा, वो किसी का सपना है, ये याद रखना। जो तुम्हें मिला है वो किसी का सपना है और जो तुम्हें मिला है उसकी तुम कोई कदर नहीं। किसी और का जीवन तुम्हारे लिए अब सपना है, ये चलता है, ये चलते ही रहता है। तो ये कब तक तुम चलाओगे? जो तुम्हारे पास है उसको तो आंखें खोल कर देख लो और याद रखना, जिसके पास है उसी को मिलेगा और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे के पास जो है वो भी छिन जाएगा। ये बाइबल की लाइन है। जीसस ने कहा कि जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छिनता चला जाएगा। क्या है जिसके पास? जिसके पास एक्सेप्टेंस है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास धन्यवाद है, कि जो अपने जीवन की सकारात्मक चीजों को देखकर शुक्रिया अदा कर सकता है, धन्यभागी हो सकता है। बस उसी के साथ वो पाएगा कि उसकी चीजें और बड़ी। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे निगेटिविटी है, इसीलिए बूढ़े होते होते तुम पाओगे कि सब कुछ निगेटिव हो बैठा आप जीवन। और सेम सवाल तुम्हारे रिपीट होंगे कि हमने तो सबका अच्छा किया, मेरे साथ बुरा बुरा क्यों हो रहा। क्योंकि तू ही तेरा दुश्मन है बबलू, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने चाहे कितना भी कहा हो मैं तैयार हूं, लेकिन सामने वाला तैयार नहीं है, समझ ले बबलू। तुमने बातें कितनी ही बड़ी की हो अच्छे अच्छी चीजों की, लेकिन बबलू, हाँ है ना बबलू। तो दिमाग में जो कचरा है उसके कारण सारी की सारी समस्या है। स्वीकृति का इतना ही मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तुम स्वीकृत। तुम्हारे विचार भी है खराब क्यों ना हो, तुम कहते हो कि ठीक है जो है तो इसका क्या विरोध। तुम्हारे भीतर कोई भी भाव बने, चाहे तुम गुस्से में हो, वासनाओं में हो, इच्छाओं में हो, तुम कहते हो ठीक है अब है तो है। एक दिन कुछ घंटों के लिए ये प्रयोग करके देखना कि बस तुम स्वीकृति से जियो, चाहे जो भी हो। तुम्हारा पति अगर तुमसे झगड़े भी, तुम्हें ठीक है झगड़ रहा है, स्वीकार है, यही मालिक की मर्जी की झगड़ रहा है। अगर चाय में थोड़ा नमक शक्कर ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो चिक चिक मत ना, स्वीकार है तो है। अगर तुमने 24 घंटा भी ऐसी स्वीकृति में जी लिया ना, कोई तुमसे अच्छी बात करे ना करे, कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हें धक्का मारे, तुम बस 24 घंटा स्वीकृति में जी लेना। तुम्हारे भीतर अगर नकारात्मक विचार चल ही रहे हैं, चल ही रहे, और तुमने भीतर से कहा स्वीकार, ये भी चीज स्वीकार, तुम पाओगे कि 24 घंटे में तुम अपने भीतर से ऐसे गदगद हुए कि तुम कहोगे कि बस ऐसे ही तो जीना था, इसी आनंद के साथ तो जीना था, और मैं कहां बाहर की चीजों को निर्मित करने के चक्कर में खुद की बैंड बजा रहा था। तुम पाओगे कि अपने भीतर से ही तुम्हें वो खुशी मिली जो तुम डर डर की ठोकरें खाकर भी बाहर कमा रहा था। तो बस 24 घंटा भी अगर तुम अपने साथ इस प्रयोग को कर लो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो भी लोग आएंगे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कर रहा है, पूरी आनंद के साथ,
स्वीकृति के साथ कि ठीक है, अपने भीतर के विचार हो निगेटिव हो, पति से झगड़ा हो, लोगों से झगड़ा हो, गाड़ी गिरे, तुम गिरो, पानी ना आए, बीच चली जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपना स्वीकृति में बने, उसकी मर्जी ना हो, ठीक है। तुम ट्राई तो करके देखो, अगर तुम प्रयोग नहीं करोगे क्या समझोगे, बातों को क्या समझोगे, अपने जीवन में करके तो देखो। तुम चाहे कितने भी कार्डियो की एक्सरसाइजेस को देख लो, पढ़ लो, थोड़े तुम दुबले होने वाले हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा वो। तुम योगा की किताबों के पूरे ज्ञानी बन जाओ और तुम खुद ना करो तो कुछ काम ना करने वाला। तुमने दुनिया की सारी रेसिपी बुक बना ली और तुम खुद बना नहीं रहे, क्या फायदा। तुम ज्ञान से भरे हुए हो, उसका जीवन में कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा। तो अगर ये छोटा सा प्रयोग है तो करके देख और तुम पाओगे कि अपने से तुम्हारे जीवन में ऐसे सुख निर्मित हुआ। एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर, चाहे तुम्हारा घर टूटे, जल जाए, दुनिया जले, कोई आके पुणे में एटम बम मार के जाए, तुम अपना हा भारतीय परमात्मा की इच्छा ऐसे बने रहे, अब क्या बचाओ। चाहे तुम्हारी हड्डियां मिले बाद में और हड्डियां भी ऐसी मुस्कुराती मिले कि हाँ वाह क्या एटम बम गिरा, क्या फेंका सालों ने, ऐसा इतने आनंद के साथ तुम 24 घंटा रह के देखो, स्वीकृति के साथ। एटम बम जब ऊपर से गिरा तभी तुम नाच रहे हो, वाह वाह परमात्मा ने कृपा कर दी। भागना मत चीजों से, भागोगे अब एटम बम से कहा भागना, भाग भाग कितना भाग पाओगे। अबे 50 किलोमीटर का गड्ढा मारता वो नीचे, और जो दिखता ना 1 मिनट में फूट जाता, और वो भी फुटता भी 100 मीटर ऊपर, अब भागोगे भी कहा उससे। तो बबलू, खुद को थोड़ा सा लाइक करो, तो थोड़ा सा जी। अगर कुछ नहीं हो रहा है ठीक है भाई, नहीं निकल रहे मुझसे सब्जी, मालिक के पास। ऐसा 24 घंटे में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्महीन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम कर्म से प्यार, तुम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर नल खुला है और तुम बाजू, हाँ ठीक है नल खुला है क्या बंद करना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। तुम सब्जी जला दी, जल के मालिक की मर्जी, ये कर्महीनता है। मैं कह रहा हूं कि जो भी तुमसे निर्मित है वो स्वीकृति से करो, जो भी आसपास की परिस्थितियां है उसका थोड़ा सा स्वीकार कर देखो, और तुम पाओगे कि अपने से आनंद तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ, जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे थे वो तुम्हें अपने ही भीतर प्रकाश की तरफ मिल गया। तुम बादल बनाने की चिंता करो, बिजली गिराने की नहीं, वो गिरी जाएगी अपने से। तुम खुद को भरने की कोशिश करो स्वीकृति से, और तुम पाओगे कि बिजलियां आनंद के भीतर तुम्हारे कड़कने लग जाएगी।